नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पालक वाली दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। मैंने आधा किलो पालक दी थी, जिसके पत्ते तोड़ करके तीन चार पानी में धो करके और इसको इस तरीके से बारीक कट कर लिया है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, हल्दी, नमक, चार टमाटर, तीन हरी मिर्ची, एक प्याज, जीरा और ये तुअर दाल। ये तुअर दाल मैंने घर में ही बनाया है, पर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी गर्मियों में कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। ये हम कुकर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे अपनी दाल और इसमें पानी से इसको हम धो लेंगे, दाल को हम गलाएंगे नहीं, दाल को धो लूंगी बस। तो ये देखिए, दाल को हमने धो लिया है एक पानी में और अब हम इसमें डाल देंगे पालक जो हमने काट करके रखी थी। ये देखिए, इसमें हमने दाल और पालक दोनों चीज डाल दी है। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, मैं एक चम्मच नमक ले रही हूँ। हल्दी आधा चम्मच और इसमें अब पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं इस गिलास से भर करके तीन गिलास पानी ऐड करूंगी, तो ये एक गिलास मैंने डाल दिया इसमें, ये दो गिलास और ये तीन गिलास, मैंने इसमें तीन गिलास पानी ऐड करा है, आप देख रहे हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम कुकर को रख देंगे गैस पे और गैस ऑन कर देंगे अच्छे तेज फ्लेम में और तीन चार सीटी इसको दिला देंगे। जितनी सीटी में अपनी दाल पकती है उतनी सीटी ही इसको दिलाएंगे। हमने चार सीटी दिलवाई थी, कुकर को खोल करके चेक करेंगे, कुकर ठंडा हो गया है। देखिए, हमारी दाल पक चुकी है। गैस पे पैन रख दिया है, तेल डाल दिया है, हमने सरसों का तेल डाला है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमने दो चम्मच ही डाला है, ज्यादा तेल नहीं लगता इसमें। हीट आने लगी है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। दाल फ्राई में सरसों के तेल से ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमने रफली चॉप कर लिया था तो उसको डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा इसे हिला देंगे। इसमें डाल देंगे जीरा और इसे भी थोड़ा सा हिला देंगे इस तरीके से। अब डाल देंगे प्याज, प्याज को भी हमने रफली चॉप कर लिया था, जो हमने एक प्याज रखी थी उसको इसे भी डाल देंगे इसमें। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर को हमने प्यूरी बना रही थी, ये देखिए जो हमने टमाटर रखा था उसको पीस लिया मिक्सी में। इतना नमक डालेंगे क्योंकि मैंने दाल में पहले ही नमक डाला था, इसलिए बहुत थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये देखिए, टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे, देखिए कैसे कलर चेंज हो गया है इसका। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला है, ना गरम मसाला, ना धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं डाला है। आपने जितना देखा उतना ही डाला है क्योंकि इतने में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो टमाटर को काट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं भी प्यूरी बनाएंगे ना तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर इस तरीके से पीस लेंगे तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दाल, जो हमने दाल और पालक बना करके रखी थी उसको डाल देंगे इसी में। मिला लें इसे इस तरीके से अच्छे से और थोड़ी देर इसे पका लेंगे। और ये देखिए, हमारी दाल पककर के पूरी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी पालक वाली दाल बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।